नमस्कार साथियों, ICR मध्य भारत समाचार के इस अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस अंक में आप देखेंगे कि हमारी सोयाबीन की फसल जो कि 40 से 50 दिन की अवस्था में है और कुछ कीड़े या बीमारी का प्रकोप देखा जा रहा है, इनको नियंत्रित हम किस प्रकार से कर सकते हैं उसके तरीके हम देखेंगे और इसी के ऊपर हमारा विषय रहेगा साप्ताहिक सलाह। लेकिन सबसे पहले देखते हैं अभी तक के मुख्य समाचार। संस्थान के निदेशक डॉक्टर के एच सिंह ने वैज्ञानिकों के साथ किया संस्थान के अनुसंधान प्रक्षेत्र का भ्रमण। निदेशक डॉक्टर सिंह ने खरीफ 2023 के दौरान संस्थान द्वारा क्रियान्वित विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं के अंतर्गत लगाए गए परीक्षणों का किया अवलोकन। डॉक्टर सिंह ने सोयाबीन बीजोत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत लगाए गए प्लाटों को भी दी भेंट एवं जानी फसल की स्थिति। संस्थान के डॉक्टर बियुद पारे ने राष्ट्रीय कृषि अखबार कृषक जगत द्वारा सोयाबीन फसल में कीट प्रबंधन विषय पर आयोजित किसान सत्र में लिया भाग एवं किया कृषकों के समसामयिक समस्याओं का निराकरण। नमस्कार साथियों, साप्ताहिक सलाह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस समय पे हमारी फसल फूल आने की अवस्था में है और कुछ स्थानों पे फलियां भी आना प्रारंभ हो चुका है। ऐसे में आपको सलाह है कि अपने खेत की सतत निगरानी करते रहें और किसी भी कीट या बीमारी का प्रकोप होने की स्थिति में तुरंत उसके नियंत्रण के उपाय अपनाने। साथियों, जहाँ पे कम समय में पकने वाली किस्में लगी हैं तो ऐसे में आपको हमेशा ये खतरा रहता है कि चूहे जो फलियों को कुतर कुतर के खा लेते हैं और हमारे उत्पादन में नुकसान करते हैं। तो चूहे के प्रबंधन के उपाय हेतु इस समय पे आपको एक दवाई का नाम दिया जा रहा है, उसके बेड बना के चूहे के जो छेद है उसके आसपास रखें और उससे नियंत्रण कर ले। साथियों, जो किसान भाई हमारे सोयाबीन का बीजोत्पादन करते हैं यानी कि अगले साल बोने के लिए जो बीज इसी फसल का अपने पास में रखते हैं, तो ये सही समय है बीज की शुद्धता बनाए रखने के लिए। और इसके लिए एक प्रक्रिया जिसको कहते हैं रोगिंग, इसमें क्या होता है कि जो फसल हमने लगाई है उसके अलावा दूसरे किस्मों के पौधे इसमें देखे जाते हैं जिनको कि आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, या तो रंग के हिसाब से या फलियों या तने या फली या पौधों के ऊपर रोए होते हैं। तो भिन्न पौधे अगर आपको दिखते हैं तो ऐसे पौधे को अपने खेत से तुरंत बाहर कर रहे हैं, जैसे कि इससे जो भी उत्पादन होगा शुद्ध बीज आप अपने खेत से ही बना पाएंगे। साथियों, इस वर्ष मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पे हमने ये देखा है कि कुछ क्षेत्रों में कॉटन ग्रे विविल ये एक कीड़ा है, इसका प्रकोप देखा जा रहा है। ये क्या करता है कि सोयाबीन की पत्तियों को किनारे से कुतर कुतर के खाता है और इस कीड़े के साथ साथ एक और जो कीट है जिसको कि टस्क मौत कहते हैं, वो भी इस समय पे मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पे देखा जा रहा है। और ये दोनों जो कीड़े हैं वो पर्णभक्षी कीड़े हैं और इसके नियंत्रण के लिए यदि आपको लगता है कि इनका प्रकोप अधिक है तो पत्ती खाने वाले जो कीट है उसके नियंत्रण के लिए अनुशंसित जितनी भी रसायन है कीटनाशक है उनमें से कोई एक आप ले सकते हैं और अपनी फसल पर त्वरित छिड़काव कर सकते हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के धार है, इंदौर है या शाजापुर है, कुछ जिलों में एक कीड़ा देखा जा रहा है जिसको कहते हैं जेवल बग। इस समय पे आपको फोटो या वीडियो आपको दिखाई दे रहा है और ये कभी कभार ही अपनी सोयाबीन की फसल में नुकसान करता है। यदि आपको लगता है कि इसका अधिक प्रकोप हो गया है तो इसके नियंत्रण के लिए जितने भी पूर्व मिश्रित जो दवाइयाँ हैं जैसे कि थायोमिथाक्सम प्लस लैम्बडा साइलोथ्रिन या बीटा साइक्लोथ्रिन प्लस इमिडा क्लोप्रिड या आइसोसाइक्लोसिरम या इंडोक्साकार्ब, इनमें से कोई भी आप दवा ले सकते हैं
और इसका अपनी फसल पे छिड़काव कर ले। इन दवाइयों के छिड़काव से आप इस कीड़ों के साथ साथ जो तना मक्खी है उसका भी नियंत्रण आप आसानी से कर सकते हैं। साथियों, कुछ क्षेत्रों में चक्रभंग का प्रकोप काफ़ी पहले से प्रारंभ हो चुका है। इस समय पर आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आपके खेत में चक्रभंग का प्रकोप अभी अभी हुआ है तब इसको नियंत्रण करने का तरीका बहुत आसान हो जाता है। और आपको ये करना है कि चक्रभंग से ग्रसित पौधे की पहचान करनी है या पौधे का वह भाग जो कि इसमें रिंग बनी हुई है, और ऐसे रिंग को तोड़ के अपने खेत से इकट्ठा करके बाहर कर दे, जला दे। और साथ ही साथ इसके नियंत्रण के लिए जो अनुशंसित रसायन है जो कि इस समय पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, आइसोसाइक्लोसेरम या एसिटेमिप्रिड प्लस बाइफेंथ्रिन या टेट्रानिलीप्रोल या थाइक्लोप्रिड या प्रोफेनोफॉस या इमिमेक्टेन बेंजोएट या क्लोरेंट्रानिलीप्रोल, इनमें से कोई एक ले सकते हैं, अपने खेत पर तुरंत छिड़काव कर सकते हैं। साथियों, जहाँ पे पत्ती खाने वाली इल्लियों का प्रकोप देखा जा रहा है, जैसे कि सेमिलुपर इल्ली, तंबाकू की इल्ली या चने की इल्ली, मध्य प्रदेश के कुछ ज़िले जैसे कि हरदा है, देवास है, रतलाम है, वहाँ पे ऐसे सूचना मिल रही है कि चने की इल्ली के साथ साथ तंबाकू की इल्ली का प्रकोप अत्यधिक मात्रा में हो रहा है। और इसके नियंत्रण के लिए तीनों प्रकार की जो पत्ती खाने वाली इल्लियाँ हैं उनके नियंत्रण के लिए इस समय पे आपको स्क्रीन पे अनुशंसित कीटनाशकों के नाम दिए जा रहे हैं। इनमें से कोई एक आप ले सकते हैं और अपने खेत पे तुरंत छिड़काव कर दे। छिड़काव करते समय पानी की पर्याप्त मात्रा ले और इससे छुटकारा पाए। साथियों, यदि आपको अपने खेत में पत्ती खाने वाली इल्लियों के साथ साथ और भी दूसरे कीड़े दिखाई देते हैं, जैसे कि रस चूसने वाले यानी कि सफ़ेद मक्खी या एफिड, या इसके साथ साथ तना छेदक कीट यानी कि चक्रभृंग है या तना मक्खी है, ये भी है एक साथ है, तो आपको एक ही स्प्रे में इन सभी प्रकार के कीड़ों का नियंत्रण कर सकते हैं। और इसके लिए अनुशंसित पूर्व मिश्रित दवाइयाँ हैं, इनमें से कोई एक लेके आपको छिड़काव करना है अपनी फसल पे। साथियों, सोयाबीन की फसल में कीड़ों के साथ साथ कई प्रकार की बीमारियां आजकल देखी जा रही है, और उसमें मुख्य रूप से फफूंद जनित बीमारियां देखी जा रही है, जैसे कि एंथ्रेक्नोज, राइजोक्टोनिया, एरियल ब्लाइट या और भी कोई जो फफूंद जनित बीमारी है। यदि आपके खेत में इनमें से कोई बीमारी दिखाई देती है तो तुरंत अपने खेत पे अनुशंसित फफूंदनाशक है जो कि इस समय पे आपको स्क्रीन पे सूची दिखाई दे रही है, इनमें से कोई एक ले और अपनी फसल में सुरक्षात्मक रूप से छिड़काव भी करें या बीमारी होने पे नियंत्रण के उपाय अपनाएं। साथियों, पीली मोजाइक की बीमारी एक वायरस जनित बीमारी होती है, इसको फैलाने का काम जो सफ़ेद मक्खी करती है। पीली मोजाइक की बीमारी के साथ साथ एक और बीमारी वायरस की होती है, सोयाबीन मोजाइक की बीमारी, और इसको फैलाने का काम जो है एफिड करता है। तो यदि आपके खेत में इनमें से कोई बीमारी दिखाई देती है तो इसके नियंत्रण के लिए जो पूर्व मिश्रित दवाइयाँ जिस समय पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इनमें से कोई एक ले और जो इनको फैलाने वाले वाहक है यानी कि सफ़ेद मक्खी या माहू, उसके नियंत्रण के लिए अपनी फसल पर तुरंत छिड़काव कर दे। और साथ ही साथ अपने जो फसल में ग्रसित पौधे हैं उनको खेत से निष्कासित कर ले। तो साथियों, इसके अलावा अन्य सारे हमारे फसल के लिए सुरक्षित उपाय है, सावधानियां हैं, सामान्य उपाय है, उनका भी अनुपालन करें। उसके लिए हमने अलग से एक वीडियो बना के रखा है, उसको ज़रूर देखें। ये थी इस सप्ताह की साप्ताहिक सलाह, मिलेंगे अगले सप्ताह, तब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार।